नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है ह्यूमन एंड नेचर रिलेशनशिप चैनल पर। आज के मुख्य तीन बातों पर विशेष ध्यान दें। पहला, होममेड शैम्पू। दोस्तों, यह बहुत आसान है। बस आपको आंवला रीठा सीका काई को एक मात्रा में पीस कर रख लेना है और बाल धुलने के लिए इसका इस्तेमाल करना है, जिससे आप हजारों लाखों करोड़ों शैम्पू के प्लास्टिक डिब्बों की इस्तेमाल भी कम कर सकते हैं और अपने बालों पर केमिकल युक्त चीज़ के इस्तेमाल से बच सकते हैं। दूसरा है घड़ी साबुन। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मैं आपको घड़ी साबुन इस्तेमाल के लिए क्यों सुझाव दे रहा हूँ? क्योंकि मैं जितना भी साबुन जानता हूँ सब में प्लास्टिक का रैपर होता है, लेकिन घड़ी साबुन में केवल कागज़ के रैपर होते हैं। इन ऑर्डर टू जनरेट लेस वेस्ट, आई प्रीफर घड़ी साबुन। तीसरा और अंतिम बात, अब नया ट्रेंड प्लास्टिक का झाड़ू। अरे भाई, क्या अभी कम था प्लास्टिक? जो हम लोग अब प्लास्टिक की झाड़ू भी खरीदें, इससे अच्छे हमारे देश की कूची है जो आसानी से मिट्टी में सड़ सकती है, जिससे हमारा वातावरण दूषित नहीं होगा और देश के गरीब कारीगरों की आर्थिक मदद भी होगी। तो हमें प्लास्टिक की झाड़ू सो कॉल्ड फैंसी वाली का इस्तेमाल न करके कूची का करें, ताकि हमारा वातावरण हरा भरा रहे। आप सभी का धन्यवाद।